एवरीवन, मैं हूं जया और मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको किचन के कुछ स्टोरेज बॉक्सेस के बारे में रिव्यू दिया था। आज मैं फिर से आपके सामने किचन के लिए कुछ यूजफुल चीजों के बारे में बताना चाहती हूँ। मुझे शौक हो गया है कि मैं अपने किचन को और ऑर्गेनाइज वे में रखूँ, तो मैं चाह रही थी कि मैं आपके साथ भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। मैं जितनी भी चीजें आपको दिखाऊंगी वो सब अमेजोन से परचेज की गई हैं। अमेजोन पे बहुत अच्छी डील चलती रहती है, अच्छा खासा डिस्काउंट मिलता रहता है, तो आप जरूर जाके चेक करिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये भारी है, ये स्पाइस रैक, ये मैंने स्पाइस रैक मंगाया है। हैवी है, अच्छा है। इसका पैकेट जो है, इसका जो बॉक्स है, बहुत बढ़िया है, मेड इन इंडिया है ये। और मेरे घर में है, तो होता है ना वो नमक दानी, उसमें रखा जाता है, लेकिन उसमें ना सारी चीजें नहीं आती है। मैंने आपको बड़े बड़े स्टोरेज बॉक्स दिखाए थे, देखिएगा मेरी पिछली वीडियो में, वो बड़े एक एक किलो के डब्बे थे। तो उसकी कैपेसिटी, उसके अंदर एक एक किलो की दाल चावल वगैरह रखने के आते हैं। ये जो है, ये स्पाइस रैक है और ये 16 पीस का सेट है। तो इसके अंदर सिर्फ नमक, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला ही नहीं आएगा, इसके अंदर मैं जीरा रख सकती हूँ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, ये सब चीजें रख सकती हूँ, मिश्री रख सकती हूँ। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, ये हैवी है, काफी हैवी है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया ये। काफी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ऐसा कुछ लेके आऊं कि मेरी किचन देखने में और अच्छी लगे, अभी भी अच्छी लगती है और अच्छी लगे। तो इसकी बात करूं मैं मटेरियल की, पैकेजिंग की तो मैंने आपको दिखा थी, बहुत अच्छा पैकेट है। बात करूं इसकी मटेरियल की, बहुत अच्छा प्लास्टिक है ये, मैं आपको खोल के इसको दिखाती हूँ। ये 16 पीस का है, इसके अंदर जो कंटेनर है वो 16 है, कई सारी चीजें आ जाएगी इसके अंदर, बहुत आराम से सामने रहेंगी, ट्रांसपेरेंट है, पता चलेगा कौन सी चीज किसमें रखी हुई है, और किचन देखने में भी बहुत सुंदर लगती है। देखिए नीचे से ऐसे रोटेट होने वाला भी है, और मैं आपको दिखाती हूँ, जब से आया है तब से मैंने खोला ही नहीं है कि मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर लूं, उसी के बाद मैं इसको खोलूंगी। देखिए कैसा लग रहा है। बात करें इसके मटेरियल की, इसकी क्वालिटी की, बहुत अच्छी है। इसके अंदर ऐसे ये खोलने वाला है कि आपको जब यूज करना है तो ऐसे खोल के यूज किया, फिर ऐसे बंद करके इसमें लगा दिया। ऐसे खोलना है, अच्छा है मटेरियल, बहुत अच्छा है, प्लास्टिक अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया लगा। 16 है ये टोटल, और ये ऐसे घूम भी जाएगा जब आप इसको यूज करेंगे। अमेज़न पे आप जरूर सर्च करिएगा, बहुत अच्छा लगेगा अपनी किचन में रखा हुआ। अब बात करते हैं इसकी एमआरपी, इसकी प्राइस की। इसकी दोस्तों एमआरपी है 1500 रुपये, इसकी 1499 इसकी एमआरपी है। और ये मुझे पड़ा है, कैन यू बिलीव, ये मुझे सिर्फ 700 रुपये का पड़ा है, तकरीबन 50% से भी ऊपर का डिस्काउंट है इसके ऊपर। अच्छा है, 100% एक्सपोर्ट क्वालिटी का है, 100% ABS मटेरियल स्पाइस रैक है, अनब्रेकेबल है, टूटेगा नहीं, स्टाइलिश है, यूनिक है, बहुत बढ़िया है, मुझे बहुत पसंद आया। इसको बोलते हैं स्पाइस रैक। तो बात करते हैं अगली चीज की, ये मैंने क्या मंगाया है, ये एक्चुअली क्या है कि हम जो किचन में चाकू, कैंची, जो बच्चों से दूर रखने चाहिए, हम उनको रखते हैं, लेकिन मेरा जो बेटा है 4 साल का, वो किचन का वो जो काउंटर टॉप के नीचे ड्रॉर है उसको खोल के उसमें से कैंची चाकू निकाल लेता है। तो मैंने उसके लिए क्या सोचा कि मैं उससे पहुंच से दूर रखूं, लेकिन कहाँ रखूं, तो ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी। ये क्या है, ये मैग्नेटिक है, इसको दीवार पे हम लोग हैंग भी कर सकते हैं, इसके पेज देखो ये पीछे मिलेंगे, इसको हम दीवार पे यहाँ पे इसको, ये इसके ये स्क्रू डालने का, छेद करने का है, ये
इसको हम दीवार पे हैंग कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से यूजफुल होगा। ये ऐसे देखो, ये मैग्नेटिक है, इसके ऊपर चीजें चिपक जाती हैं, ये ऐसे चिपक गया, ठीक है, ये चिपक गया। अब ये क्या है, ऐसे रहेगा और ऐसे मैं दीवार पे चिपका दूंगी, मतलब ऐसे हैंग करवा दूंगी और ऐसे रहेगा तो ये बेटे की पहुंच से, बच्चों की पहुंच से दूर भी रहेगा और सामने रहेगा आंखों के कि कैंची चाकू कहाँ है, और ढूंढने की जो प्रॉब्लम होती है वो नहीं रहेगी। मुझे बहुत रहती है, मैं चाकू ढूंढती रहती हूँ कहाँ गया चाकू, तो मुझे प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मेरी आंखों के सामने रहेगा। गैस स्टोव के ऊपर मैं लगवा दूंगी तो मुझे ये ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं रहेगी। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये मुझे कितने का पड़ा है, इसका क्या प्राइस एमआरपी है और मुझे अमेजोन पे कितने का पड़ा है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर करें कि आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा। अभी के लिए इतना ही, यही सब चीज मैंने मंगाई थी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको स्टोरेज बॉक्सेस दिखाए थे, इस वीडियो में मैंने आपको किचन को ऑर्गेनाइज वे में रखने वाले कुछ चीजें मैंने मंगाई हैं वो हैं दिखाई हैं। बहुत जल्दी मैं आपको अपने किचन का टूर कराऊंगी, मैं आपको आपकी अपनी किचन दिखाऊंगी कि मैं अपनी किचन में किस तरीके से, कैसे स्टोरेज बॉक्स को मैंने किस तरीके से यूज़ किया, ये चीज़ों को मैंने किस तरीके से यूज़ किया है। आई होप आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, आपको ये चीज़ें यूजफुल लगी होंगी, मुझे लगी, मैंने अपनी चीज़ें आपके साथ शेयर करी। आप भी जाके अमेजोन पे इसको चेकआउट कर सकते हैं, बाकी सारी डिटेल मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और मेक श्योर करिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, अगर आप पहली बार देख रहे हैं बेल आइकन को जरूर हिट करिएगा, हो सके तो इस वीडियो को आगे शेयर और लाइक करिएगा, और अपना ख्याल रखिए, और बहुत जल्दी मैं आपको एक नई वीडियो, यूजफुल वीडियो के साथ जरूर मिलूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।